हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड. आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा. सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब कई बच्चे कहते हैं मैम हाँ टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोल देते हो, क्योंकि मैं हमेशा वही टॉपिक लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम में एक नंबर का आता है, अदरवाइज मैं करवाती ही नहीं कुछ. अब देखिए, टॉपिक है साइकोलॉजी का. ये DSSSB स्पेशली एसटेट में बहुत आता है, UPTET में, CTET में, हर जगह इसका क्वेश्चन आता है. द टॉपिक इज गैगने प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. गैगने कह दो या गैने कह दो, ठीक है, गैगनी गैने कुछ भी बोल देते हैं. तो गैगने इज अ साइकोलॉजिस्ट, एक लर्निंग जो थ्योरीज के अंदर इसने अपनी थ्योरी क्रिएट की थी, सीखने के टाइप जो है डिस्क्राइब किए थे गैगने ने, और अपनी सिद्धांत का इसने नाम दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग समस्या समाधान अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? तो गाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? गैगने के द्वारा. गैगने या गैगने कोई फर्क नहीं पड़ता. अब गैगने ने 1965 में एक बुक लिखी थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग. और अब इस कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंदर गैगने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखने के 8 प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं? तो सीखने के 8 प्रकार गैगने के द्वारा दिए गए हैं. गैगने के सिद्धांत का नाम क्या है? यह हायरार्किकल थ्योरी है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है. अब थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, इसने किस शेप में दी? तो गाइज, इसने ये पिरामिड के शेप में दी थी, ठीक है. तो इसने किस शेप में दी थी? पिरामिड के शेप में इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया था. किस शेप में दिया था? पिरामिड के सिद्धांत में. अब इन्होंने क्या किया था, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे लिखा था. मीन्स ये बताता कि बच्चा किस तरीके से सीखता, भाई पहले क्या सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, आप कैसे कैसे चीज़ों को सीख सकते हो. तो इन्होंने 8 टाइप को डिस्क्राइब किया है. तो सबसे पहले इनकी लर्निंग है सांकेतिक लर्निंग, सांकेतिक अधिगम, जिसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल लर्निंग. मीन्स सांकेतिक अधिगम, या हम क्या बोलते हैं गाइज, सिग्नल लर्निंग. अब सांकेतिक अधिगम क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, सांकेतिक मतलब संकेतों के माध्यम से. जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं वो बोर्ड लगा देते हैं ट्रैफिक वाला, कि लाल बत्ती कहती रुक थम, हरी बत्ती कहती चल चल. मीन्स रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, इट्स ऑल आर द इंडिकेशन काइंड ऑफ लर्निंग. ये कैसी लर्निंग होती है गाइज, सांकेतिक अधिगम होते हैं, ये सिग्नल लर्निंग जो है कहलाती है, ठीक है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि एक बच्चा है लाल लाइट को देख के, पीली लाइट को देख के कुछ भी संकेत कर रहा है, तो ये कैसी लर्निंग होती है, सांकेतिक लर्निंग. ये किस टाइप की लर्निंग होती है गाइज, ठीक है. तो सिग्नल लर्निंग मीन्स क्या होता है, सांकेतिक. तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, जैसे एक बच्चा है कि उसको लाल बत्ती हरी बत्ती दिखा के एक टीचर जो है सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस टाइप की लर्निंग सिखा रहा है, तो भाई वो कैसी लर्निंग सिखा रहा है, वो सांकेतिक अधिगम. या हम बात करें पावलव की जो थ्योरी थी, हमने लर्निंग का चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लर्निंग कर्व भी पढ़ रखे हैं, खाली लर्निंग थ्योरी सब कुछ पढ़ रखा है. तो उसमें जो पावलव वाली थ्योरी थी, वो कुत्ते को मतलब किसी भी तरीके से सिग्नल मिल रहा था घंटी बजने का, तो वो इस टाइप की जो लर्निंग थ्योरीज होती हैं, यदि वो पूछे गैगने के अकॉर्डिंग ये लर्निंग क्या कहलाती है, तो आंसर आएगा गाइस सांकेतिक अधिगम. अब ये पहला स्तर है, तो ये लोवेस्ट लेवल है. एसटेट 2014 में क्वेश्चन आया था, गैगने की अधिगम सोपानकी का निम्न स्तर कौन सा है? एसटेट में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, उच्च स्तर, निम्न स्तर. तो गैगने की अधिगम सोपानकी का निम्न स्तर कौन सा गाइस, सांकेतिक अधिगम, ठीक है. निम्न स्तर कौन सा है, सांकेतिक अधिगम. अब सेकंड जो स्टेप है वो है उद्दीपन अनुक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस. अब देखिए स्टिमुलस रिस्पांस, वैसे तो हमने बहुत बार पढ़ लिया लर्निंग में, स्टिमुलस कोई भी वो चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है स्टिमुलस होता है. रिस्पांस क्या होता है, उसको सुन के हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो रिस्पॉन्स होता है. तो हिंदी में स्टिमुलस को बोलते हैं गाइज उद्दीपन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुक्रिया. स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, एक बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा उसका फ्रूटी ला के दे दो, वो स्टिमुलस हो सकता है. जैसे मेरे लिए स्टिमुलस होते हैं आपके कमेंट, सीरियसली बताऊं बहुत टाइम ही नहीं होता मैं वीडियोस बनाऊं. अब क्लास ड्रॉप किए, मुझे लगा यार साथ साथ ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, चलो बना देती हूँ, यूं की यूं मैंने क्लास के बाद ये वीडियो बना रही हूँ. तो मेरे लिए स्टिमुलस क्या होता है, आपके कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट कुछ बच्चों के लिखे होते हैं कि मैम प्लीज बना दीजिए और पढ़ना है, तो वो स्टिमुलस का काम करते हैं मेरे लिए. और फिर मैं रिस्पॉन्स करती हूँ भाई वीडियोज बना के आप लोगों के लिए, तो मुझे स्टिमुलस देते रहा करो लाइक करके, शेयर करके, ताकि मुझे स्टिमुलस मिलता रहे और रिस्पॉन्स आपको मिलता रहे.
तो समझ रहे हो स्ट्यूमलेस रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब कोई चीज दिखा के आप उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, जैसे कि थोंडाइक है, बिल्ली को खाना दिख रहा है, खाने को देखकर रिस्पॉन्स कर रही है बिल्ली, तो स्ट्यूमलेस रिस्पॉन्स वाली प्रक्रिया है। तीसरा स्टेप है श्रृंखलाबद्धता, मीन्स गैने कहता तीसरा तरीका होता है श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता का मतलब आप सिक्वेंस क्रिएट करते हो चीजों की। सिक्वेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे ये नहीं करते कोई एक्ट कर रहे हैं, मैंने गाड़ी चलाना सिखा दिया, मैंने साइकिल चला दी, फिर कार चलाना सिखा दिया, गाड़ी चलाना सिखा दिया, मतलब इस तरीके से जो आप एक्ट करते हो तो ये सिक्वेंस के तरीके से क्या होगा, श्रृंखलाबद्धता। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीटेट में तो आपको स्टेटमेंट आएगी कि एक बच्चे ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो वो गैने के हिसाब से कौन सी लर्निंग कर रहा है। तो जब आपको लग रहा है वो चीजों में सिक्वेंस बना रहा है तो वो सिक्वेंशनल लर्निंग कर रहा है, ठीक है। एसिट में क्या आ जाएगा, गैने का तीसरा स्तर कौन सा है, सिक्वेंस भी पूछ लेगा, लोवेस्ट पूछ लेगा, हाइएस्ट पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य होता है वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन मतलब आप वर्ड्स को जब कोरिलेट करते हो, शब्दों को जब आप कोरिलेट करते हो तो इट्स कॉल्ड द वर्ड एसोसिएशन, ठीक है। शब्दों को कोरिलेट करना गाइस क्या कहलाता है, वर्ड्स को एसोसिएट करना, वर्ड एसोसिएशन। शब्दों को जैसे हम कहानी, कविता, लिटरेरी, साहित्य, इन चीजों को याद करते हैं। जैसे मैंने आपको फोबियाज याद करवाए थे, डिसेबिलिटीज याद करवाई थी, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरी लगभग साइकोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा रखी है पहले से ही, कुछ टॉपिक बचे हैं जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो सिक्वेंस वगैरह एक्ट करना, तो ये श्रृंखलाबद्धता का पार्ट होता है। फिर है शाब्दिक साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन, कहानी, कविता वगैरह सुना के। विभेदीकरण, विभेदीकरण होता है गाइज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, गैने कहता है बच्चे जब सीक्वेंस बना लेते हैं तो चीजों में अंतर करना भी सीखते हैं। अब वो अंतर कैसे सीखते हैं, जैसे मैंने शेप दे दी कि बेटा ये तो रेक्टेंगल है, ये तो सर्कल है, ये तो स्क्वेयर है, लाइक जो भी है शेप्स हम बच्चों को देते हैं, बेलन है एक्सेट्रा, बच्चा उन शेप में डिफ्रेंशिएट करता है, तो इट्स कॉल्ड द काइंड ऑफ विभेदीकरण लर्निंग सीखना। नेक्स्ट है संप्रत्यय, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मतलब बच्चा अपने कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे मैं कहूँ शेर ऐसा ऐसा होता है बेटा, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, तो वो जंगली जानवर होते हैं लाइक जो भी है, तो बच्चे को लगेगा भाई कोई भी खूंखार आ गया तो वो जंगली जानवर है, तो मतलब अपना कॉन्सेप्ट बना लेता है बच्चा, फिर कॉन्सेप्ट बना के जो है सीखता है। फिर गैने कहता है जब कॉन्सेप्ट बना के बच्चा सीख जाता है तो कॉन्सेप्ट को सब फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो रूल्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, रूल बन जाते हैं, मीन्स रूल लर्निंग बन जाती है, नियम अधिगम बन जाता है, रूल्स लर्निंग। अब जब रूल बना लिए बच्चा तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गैनेज थ्योरी। तो दिस इज द क्वेश्चन जो एसटेट 2013 में आया था, गैने के सिद्धांत का हाईएस्ट उच्चतम लेवल कौन सा है, तो आंसर आएगा गाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, जो टॉपिक जितना हवा मचाते हैं ना, यार गैने रह गया, वाई गोस्ती रह गया, जितने हवा मचाने वाले टॉपिक होते हैं ना, उनका ऑल ओवर कंक्लूजन उतना ही सिंपल होता है। क्या याद करना आपने, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग किसने दी, वही फटाफट साथ बोलिए, गैने ने दी। गैने ने कितने स्टेप दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, 8। गैने ने कौन सी बुक में दिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, कब दिए, 1965 में। सबसे पहले आप देखो सिक्वेंस में लर्न कैसे रखेंगे, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस अरेंज करना आ जाएगा, तो लर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले सांकेतिक अधिगम। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा भाई, सिग्नल, हम बच्चे को क्या देंगे, सिग्नल। देखो बोर्ड मत देखो, कुछ भी मत देखो, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले क्या करेगा भाई बच्चा, सिग्नल। बच्चे को सिग्नल मिल गया तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि भाई मेरे को दिख रहा है कुछ, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। फिर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स। अब मैंने रिस्पॉन्स कर लिया तो मैं सोचूंगी चलो यार चीजों को अरेंज करूं अपने तरीके से, तो क्या बनाएंगे हम, श्रृंखलाबद्धता। फिर श्रृंखला बना ली तो मैं उस श्रृंखला को जोड़ूंगी कि ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, तो हम क्या करेंगे, शाब्दिक साहचर्य, मीन्स उनको जोड़ेंगे। अब जोड़ के भाई हम अंतर भी तो निकालेंगे, इसमें ये खास है, इसमें ये खास है, तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, विभेदीकरण। अब मैंने अंतर निकाल लिया तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट बन गया तो बन गया मेरा रूल, और रूल बन गए तो कर ली मैंने प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये था गाइज गैगने का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। होप गाइज यू लाइक माई एफर्ट्स, क्योंकि सीरियसली ऑल टाइम मैं एक ही बात कहती हूँ कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, लेकिन हाँ यदि आप चाहें वीडियो शेयर हो, मेरा चैनल बढ़ता दिखेगा तो भाई कैमरा वैमरा ला के सेटअप बना के अच्छी वीडियोज़ भी दे दूंगी। अभी क्या रहता है, जस्ट फॉर पब्लिसिटी, जस्ट फॉर यूर लव, कि यार बच्चे इतना पसंद करते हैं, मैं सिर्फ इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ना ही मैं इंस्टाग्राम ना फेसबुक कहीं शेयर नहीं करती, ओनली व्हाट्सएप स्टेटस के अलावा। तो मेरी तुमसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मानो तुम्हारी मर्जी ना मानो तुम्हारी मर्जी, कि वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया करें, ताकि जो मेरा टारगेट है हर एक बच्चे के दिल तक जाना, नॉट पढ़ाना, टीचिंग इज माय पैशन नॉट प्रोफेशन,
तो बस मैं चाहती हूँ हर बच्चे के दिल में रहे यार कोई निशा मैडम आके साइकोलॉजी पढ़ा के जाती है तो अच्छा पढ़ा देती है बुरा पढ़ाती है वो आप बताएंगे कमेंट में. सो हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.